आज के समय मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। और इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए मैं आपको सबसे आसान तरीका बताऊंगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि मैथ्स में मैंने आपको अर्थमेटिक में सभी चैप्टर आपको पढ़ा दिया है, ठीक है। सभी चैप्टर आपको कम्प्लीट पढ़ा दिया है। उन सभी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या वीडियो के प्ले लिस्ट में जाकर आप जो चैप्टर आपको पढ़ना है वहां से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। चलिए क्वेश्चन में पहला देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। अब देखिए क्वेश्चन में इस तरह से दिया है और पूछा क्या का गुणनफल है। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसका मान किसके बराबर होगा, इसमें आपसे ये पूछा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसका गुणा इसमें करिए, तीन दुना छह हो गया, छह में से एक घटाएंगे कितना मिलेगा, पांच, और नीचे आपका कितना है, तीन है। इतना मिलेगा कि नहीं मिलेगा पहले वाले से। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो पांच दुना दस हो गया, दस में से तीन घटाएंगे कितना बचेगा, सात, सात बटा कितना हो जाएगा, पांच हो जाएगा। फिर अगले वाले को सॉल्व करेंगे तो ये सात दुना चौदह हो गया, चौदह में से कितना, पांच घटाएंगे तो नौ बचा, नौ बटा कितना, ये सात है। इस तरह से ये डॉट 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 करते करते, ठीक है, इसका गुणा इसमें करेंगे फिर ये घटाएंगे तो कितना मिल जाए आपको, इसका गुणा इसमें करिए फिर ये घटाएंगे तो कितना मिलेगा आपको, एक हजार एक मिलेगा, और नीचे वाला आपका यही रहेगा, ये रहेगा। अब देखिए इसमें कुछ टर्म आपस में कट रहे हैं क्या, इसको देखिए तो ये ऐसे करते हुए चला जाएगा, ऐसे करते हुए ये चला जाएगा, करते हुए चला जाएगा, तो बचा के आपका ऊपर सिर्फ ये बच जाएगा और नीचे आपका ये बच जाएगा, यानी एक हजार एक बटा कितना, तीन, ये इसका आंसर आ गया। इसका आंसर कितना आ गया, एक हजार बटे तीन। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच करा, पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन सेकंड देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। यदि x बराबर इतना है तो x प्लस वन बराबर क्या होगा, इसमें आपसे ये पूछा, ठीक है। देखिए x बराबर कितना दिया गया है, वन अपॉन कर्णी में टू प्लस वन है, तो इसका मान आपसे पूछा है। तो सबसे पहले हम कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको बता रहा हूँ। हम लोग करेंगे इसकी कांजुगेट से ऊपर नीचे गुणा कर ले रहे हैं, ठीक है। कांजुगेट का मतलब क्या, यहाँ पे जो साइन दिया गया है, अगर ये साइन इस तरह से दिया गया तो टू कड़ी में टू माइनस वन, यानी साइन क्या करते हैं लोग चेंज करके ऊपर नीचे हम लोग गुणा कर देते हैं, साइन चेंज करके हम लोग क्या करते हैं ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, ठीक है। अगर जब ऊपर गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, एक्स इक्वल टू कितना मिलेगा, ये कड़ी में टू माइनस वन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये चीज आपको मिलेगी। फिर देखिए नीचे क्या हो जाएगा, अगर आप इसको देखिए नीचे वाले को, तो यहां से देखेंगे तो आपको फार्मूला दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ये फार्मूला दिख रहा है। तो पहले का स्क्वायर करेंगे कितना मिलेगा आपको, सिर्फ दो ही मिलेगा। अगर इसका स्क्वायर करेंगे एक का तो एक मिलेगा, इतना क्लियर है। ये घट जाएगा तो कितना बचेगा आपका, यहां से ये कितना बचेगा, सिर्फ कड़ी में टू माइनस वन, इतना क्लियर है। लेकिन आपसे इसका मान पूछा है, इसका मान देखिए पूछा है, तो एक्स का मान आपको पता है, इसमें रख लीजिए, इसमें क्या करना आपको रख लीजिए, तो कड़ी में टू माइनस वन और ये प्लस वन, ये आपस में कट जाएंगे तो बचा कितना, सिर्फ कितना सिर्फ बचेगा, कड़ी में टू बचेगा, ये इसका आंसर आ गया। इसका आंसर कितना आ गया, कड़ी में टू, तो सी ऑप्शन के इसका मैच कर रहा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन थर्ड देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। अब देखिए क्वेश्चन थर्ड में इस तरह से दिया है, का मान ज्ञात कीजिए। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसका मान किसके बराबर होगा, इसमें आपसे ये पूछा, ठीक है। देखिए आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे, यानी सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, जो क्या ये सेवन प्लस फोर कड़ी में थ्री है, यह है कि नहीं, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, आपको ये किसी का फॉर्मूला दिख रहा है, ये किसी का फॉर्मूला दिख रहा है, और फॉर्मूला किसका, ये टू, ठीक है, टू प्लस कड़ी में थ्री का होल स्क्वायर का फॉर्मूला दिख रहा है, ठीक है। कैसे मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप इसे ब्रेक करेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, टू ए बी लिख सकते हैं, यानी ए का मान कितना रहा होगा, यानी जो फॉर्मूला रहा होगा करके, ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे, फिर प्लस करके इसके स्थान पे, इसके स्थान पे जो वैल्यू रही होगी, यानी ए के स्थान पे कितना रहा होगा, दो रहा होगा, और ठीक है ए के स्थान पे कितना रहा होगा, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, चार को, चार को दो गुड़े दो लिख सकते, कोई फर्क नहीं है, ठीक है। इसको ऐसे लिख लीजिए, दो गुड़े दो और इंटू कड़ी में थ्री। देखिए आपको ए का मान ये है और बी का मान ये है, तो यहाँ पे रखिए टू हो गया और ये कड़ी में थ्री,
जब आप इसे प्रसार करेंगे तो आपको यही चीज मिलेगी, आप प्रसार करके चेक कर लीजिएगा, ठीक है, यही चीज आपको मिलेगी। इतना क्लियर है कि नहीं क्लियर है? इतना क्लियर है। तो यानी इस पूरे के स्थान पे, यानी इसके स्थान पे हम लोग क्या कर सकते हैं, ये चीज लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं, या तो ये लिख सकते कोई फर्क नहीं, दोनों तो सेम है, इसको भी हम लोग लिख सकते हैं। अगर आप यहां से जब लिखेंगे, यहां से जब इसको लिखेंगे तो ये देखिए दो बार है, और ये कड़ी से क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। कड़ी से क्या हो जाएगा, ये फ्री हो जाएगा। तो यहां से कितना हो जाएगा, ये 2 + 3 हो जाएगा, ठीक है। और इन दोनों का आपस में गुणा कर लीजिए, इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो कितना मिल जाएगा, ये 8 × 2 = 16 हो गया, और ये कितना हो जाएगा, 8 × 3। इतना क्लियर क्लियर? इन सभी का मैंने क्या कर लिया, गुणा कर लिया, इन सभी का मैंने गुणा कर लिया। अब देखिए यहां से कड़ी में कितना हो जाएगा आपका, यहां से ये कड़ी में आपका कितना हो जाएगा, इन सभी को जोड़ लीजिए तो 16 × 3 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा, ये 19 हो जाएगा, कुछ इस तरह से आपका हो जाएगा फिर, ठीक है। मैं आपको लिख के ही दिखा दे रहा हूं, कड़ी में 3, कड़ी में 3 प्लस, अब ये कड़ी में इस तरह से हो जाएगा, 16 × 3 कितना हो गया, 19, और ये प्लस 8 × 3, इस तरह से कुछ आपका हो जाएगा। यानी कि इसको सॉल्व करने के बाद और इसका गुणा करने के बाद, इसको ऐड करने के बाद ये चीज आपको मिलेगी। अगर आप इसको भी ध्यान से देखिए तो आपको ये फार्मूला किसी का है, ठीक है, यानी ये क्या वैल्यू दी गई है, 19 है प्लस 8 × 3 है। देखिए आप इसको ऐसे लिख सकते क्या, इसको आप ऐसे लिख सकते क्या, 4 × 8 हो जाएगा, कह सकते क्या, 2 × 4 = 8 हो गया, यानी 2ab के फॉर्म में चेंज कर रहा हूं, ठीक है, इसको 2ab के फॉर्म में लिख रहा हूं, तो 2a और b का मान कितना, ये कड़ी में 3 है कि नहीं है। अब आपको ये चेक करना है कि a के स्थान पे मैंने कितना ले लिया, 4 ले लिया, और b के स्थान पे कितना ले लिया, कड़ी में 3, ये इसका होल स्क्वायर है, ठीक है। अगर आप इसे जब प्रसार करके देखेंगे तो आपको ये चीजें मिलेगी, ये चीज आपको मिलेगी, मिलेगी नहीं मिलेगी, इससे प्रसार करके जब आप लिखेंगे, ठीक है, इसे जब आप क्या करेंगे, प्रसार करके लिखेंगे, क्या करेंगे, इसे जब प्रसार करके लिखेंगे आपको ये चीज मिलेगी। तो इसके स्थान पे, इसके स्थान पे ये लिख सकते नहीं लिख सकते, लिख सकते, कोई फर्क नहीं। तो यहां मैं लिखने जा रहा हूं, ठीक है, यहां पे मैं लिखने जा रहा हूं, ये देखिए दो बार है, तो और ये कड़ी लगी, कड़ी में नहीं है, ये है कि ये चीज है कि नहीं, तो इसके स्थान पर ये चीज लिख सकते कि नहीं लिख सकते, और ये दो बार है, तो ये कड़ी से क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा, तो कड़ी से क्या हो जाएगा, ये फ्री हो जाएगा, तो कितना मिलेगा, 4 + 3। अब देखिए कड़ी में आपका ये -3 है, और ये क्या है आपका, ये प्लस माइनस आपस में कट जाएंगे, तो अंदर बचा क्या आपका, सिर्फ सिर्फ क्या बच गया, कड़ी में 4 बच गया। इतना क्लियर है कि नहीं क्लियर है? और ये जब कड़ी से फ्री होगा तो इसका मान कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को एक बार रिपीट करके जरूर से देख लीजिएगा, ठीक है। इसमें मेन कॉन्सेप्ट यही है कि इसको क्या करना है, आपको इसके फॉर्म में, यानी 2ab के फॉर्म में आपको लिखना है, इसको ऐसे ब्रेक करना है, इसको ऐसे क्या करना है, आपको ब्रेक करना है, फिर इसको भी क्या करना है, आपको ऐसे ब्रेक करना है, ठीक है। इस वाले को भी क्या करना है, आपको ऐसे में लिख सकते नहीं, यानी इसको 2ab के फॉर्म में यहाँ पे लिखेंगे, शो करेंगे, ए का मान पता चल गया, बी का मान पता चल गया, यहाँ पे मैंने लिख लिया। अब जब आप इसे प्रसार करेंगे आपको यही चीजें मिलेगी, तो इसके स्थान पे मैंने क्या कर दिया, डायरेक्ट ये चीजें लिख दी, डायरेक्ट ये चीज लिख दी, है कि नहीं, तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट ये चीज लिख दी। अब इन सभी को मैंने जोड़ लिया तो ये वाला टर्म आपस में कट जाएगा, और कड़े में कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा, और इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। अब देखिए क्वेश्चन 4 में इतने का घनमूल कितना है, 56 = 56 है, तो इसका 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 योग आपसे पूछा है किसके बराबर होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो यहाँ पे वैल्यू है, जो यहाँ पे वैल्यू, वही वैल्यू यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे पॉइंट लग गया है। तो अगर ये पॉइंट लग गया है, तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, जब आपको स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर आपको पढ़ाया था, तो वहां पे आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताया था। अगर यहाँ पे जैसे स्क्वायर की बात रहती, स्क्वायर रहता, ठीक है, अगर यहाँ पे क्यूब ना रहे, स्क्वायर रहता, अगर 0.4 अंक पे रहता, जब ये कड़ी से फ्री होगा तो 0.2 क्या हो जाएगा, आधा अंक पे, यानी 2 अंक पे हो जाएगा। अगर 6 अंक पे रहता है, जैसे स्क्वायर ना रहते, यहाँ पे क्या रहे, क्यूब ना रहे, स्क्वायर रहे, अगर 6 पे 0.2 है, तो जब कड़ी से फ्री होगा तो 0.2 क्या हो जाएगा, आधा अंक पे हो जाएगा। इतना क्लियर है? अब यहाँ पे क्यूब लग गया है, तो क्यूब का मतलब क्या है, 0.2 क्या हो जाएगा, यानी 3 की बात हो रही है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे अब कितना, 1 अंक पे 0.2, यानी 3-3 का पेयर बनेगा, तो 0.2 कितना, 1 अंक पे लग जाएगा, और इसका मान कितना दिया गया, ये दिया गया, तो आप इसको ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं, 5.6 आपको मिलेगा। इतना क्लियर है? अब यहाँ पे देखिए कितना, ये 3-3 6 अंक पे 0.2, जब ये फ्री होगा, और 3-3 का है ना, तो 3-3 का पेयर बनाना है, 1.3 से लगेगा और 1.1 से लगेगा, यानी 2 अंक पे 0.2 आपका लगेगा।
कितने अंक पे दशमलव लगेगा, दो अंक पे दशमलव लगेगा। अब यहाँ पे देखिए कितना, तीन तीन छः तीन त्रिकोण, यानी तीन अंक पे दशमलव आपका लगेगा। यही तो ये तो जो वैल्यू है ये तो यही है, ठीक है। तो दशमलव कितने, ये जो वैल्यू है ठीक है, ये सब वैल्यू जो है यही है और इसका मान आपको दिया है तो 5 6। लेकिन दशमलव देखिए तीन अंक पे लगेगा, यानी तीन इसका हो गया, तीन इसका हो गया, तीन इसका, तो यानी दो ही अंक है, तो एक अंक और करने के लिए जीरो आप लिख सकते, कोई फर्क नहीं है, ठीक है। अब इन सभी को आप क्या करिए, ऐड कर लीजिए। इन सभी को आपको करना है क्या, ऐड कर लीजिए। तो पीछे जोड़ते हैं, छः हो गया, छः पाँच पाँच दस, दस और ये छः छः यानी कितना, एक मिल जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये दो हो जाएगा, और ये पाँच एक हासिल कितना हो गया, छः हो गया। जब आप इन सभी को जोड़ेंगे तो आपको ये चीज़ें मिलेंगी। इन सभी को जोड़ के आप चेक कर लीजिए तो आपको ये चीज़ आपको मिलेगी। तो देखिए सी ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, यदि x इक्वल टू इतना और डॉट ये इनफाइनाइट है तो x का मान आपसे पूछा है। क्वेश्चन देखिए x बराबर इतना दिया है तो पूछा कि आपसे x का मान कितना होगा, इसमें आपसे ये पूछा है। तो कैसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या, ये कर्ड़ी लगा थी, यहाँ पे मतलब कितना है, दो है, यहाँ पे कितना, ये दो है। तो कर्ड़ी को हटाने के लिए, कर्ड़ी को हटाने के लिए हम करें क्या, दोनों पक्षों का स्क्वायर कर लें, दोनों पक्षों का हम लोग करें क्या, स्क्वायर कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं, ठीक है। पहली बार हम लोग करें क्या, दोनों पक्षों का स्क्वायर कर ले रहे हैं, स्क्वायर कर दे रहे हैं। अगर जब स्क्वायर करेंगे, दोनों पक्षों का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इतना क्लियर रखने के लिए, एक्स स्क्वायर हो जाएगा और इसकी कर्ड़ी क्या हो जाएगी, हट जाएगी। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो कर्ड़ी क्या हो जाएगी, हट जाएगी। तो कुछ इस तरह से आपका मिल जाएगा, कर्ड़ी में बी और ये क्यू हो जाएगा। अब यहां से ये क्या हो जाएगा, ये इसको भी लिख लीजिए आप, कर्णी में ए और ये कर्णी में बी, इस तरह से ये है, अभी ये डॉट डॉट इस तरह से है। अब देखिए करना क्या, इसके बाद देखिए यहां पे क्यूब है, ठीक है। तो मुझे करना क्या, ये क्यूब वाला फॉर्म हटाना है, क्यूब वाला क्या करना है, मुझे फॉर्म हटाना है, ठीक है। अगर क्यूब वाला फॉर्म हटाना है तो हम लोग करें क्या, दोनों पक्षों का क्यूब कर दे रहे, दोनों पक्षों का हम लोग करें क्या, क्यूब कर दे रहे हैं, दोनों पक्षों का क्यूब कर दे रहे हैं। अगर क्यूब करेंगे दोनों पक्षों का तो ये पावर कितनी हो जाएगी, इसका क्यूब करेंगे तो पावर कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। पावर कितनी हो जाएगी, ये 6 हो जाएगी। कितना क्लियर है, जब यहां से क्यूब करेंगे, यहां से जब क्यूब करेंगे, सॉरी ये देखिए अभी ये बच्चा ए की पावर ये सॉरी ये ए वाला बच्चा है, आप इसको लिख लीजिए ए, क्या करिए आप यहाँ पे लिख लीजिए, ए बचा है कि नहीं बचा आपका, ए बचा हुआ है। तो यहां से ये जब क्यूब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हट जाएगा, ए क्या हो जाएगा, हट जाएगा, ये तो हट जाए, ये वाला हट जाएगा, लेकिन यहां से ए का क्यूब हो जाएगा। जब दोनों पक्षों का क्यूब करेंगे तो ये देखिए ए पहले है, कड़ी से पहले का है, तो इसका तो क्यूब हो जाएगा, लेकिन इस वाले का ये जो क्यूब है ये क्या हो जाएगा, हट जाएगा, तो इंटू बी मिल जाएगा। फिर कड़ी में क्या मिलेगा आपको, इस तरह से कड़ी में ए और ये क्यू, इस तरह से आपका ये कितनी है, ये डॉट डॉट इनफाइनाइट है। इतना क्लियर है, देखिए पहली बार मैंने क्या किया, स्क्वायर किया तो मुझे ये चीज मिला, मुझे ये चीज मिला, इतना क्लियर नहीं, क्लियर। फिर इसके बाद मैंने क्या किया, दोनों पक्षों का क्यूब कर लिया। जब दोनों पक्षों का क्यूब करेंगे तो ये पावर 6 हो जाएगी एक्स की, अब यहाँ पे ए क्या है, पहले है, तो ए का क्यूब हो जाएगा। जब दोनों पक्षों का क्यूब करेंगे तो ए का क्यूब हो जाएगा, इसका क्यूब करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, कर्णी हट जाएगी, तो आपको बी मिल जाएगा। अगर आप इसको ध्यान से देखिएगा, इस पूरे को क्या करिए, ध्यान से देखिए, तो इसको पूरे को ध्यान से देखिए तो इसका मान किसके बराबर, ये डॉट डॉट इस तरह से और भी है या इस तरह से डॉट डॉट और है, इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको यही चीज मिलेगी। दिख रही कि नहीं दिख रही, यही चीज आपको दिखेगी, ये डॉट डॉट है कि नहीं, मतलब क्या इस तरह से ये बार बार है, तो यही चीज आपको मिलेगी नहीं मिली यहाँ पे। तो इस पूरे के स्थान पे हम लोग कर 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 क्या सकते हैं, एक्स लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। इस पूरे के स्थान पे हम लोग क्या करें, एक्स लिख दे रहे हैं। अगर इसके स्थान पे एक्स लिखेंगे, एक्स की पावर 6 ए क्यूब इंटू बी और ये एक्स हो जाएगा। इस पूरे के स्थान पे मैंने क्या कर दिया, एक्स लिख दिया, क्योंकि ये किसके बराबर है, एक्स के बराबर है। अब देखिए यहाँ से एक्स की पावर 1 है और एक्स की पावर 6, तो ये पावर कट जाएगी तो कितना बच जाएगा, 5 पावर बच जाएगी। एक्स की पावर कितना हो गई, 5 हो गई। तो मुझसे पूछा क्या, सिर्फ एक्स का मान पूछा है, सिर्फ क्या पूछा है, एक्स का मान पूछा है। तो अगली लाइन से क्या हो जाएगा, x की पावर 5 इक्वल टू ए की पावर 3 इंटू बी,
इतना क्लियर है। अब देखिए x का पूछा है तो ये जाके इधर इस तरह से हो जाएगा, ये जाके इधर इस तरह से हो जाएगा, x इक्वल टू ए क्यू इंटू वी, और ये इस तरह से आपका लग जाएगा। लगे कि नहीं लगे, जब मैं इसको हटा दूं तो ये जाके इधर इस तरह से हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, ये इस तरह से जाके इधर हो जाएगा। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। एक्स का मान आपको देखिए पता चल गया कितना है, इतना है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच करा, कौन सा ऑप्शन इसका मैच करा, ठीक है। तो देखिए इसका डी ऑप्शन देखिए मैच करा, इसका कौन सा ऑप्शन मैच करा, डी ऑप्शन इसका मैच करा, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को एक बार रिपीट करके जरूर से देख लीजिए, पहली बार में स्क्वायर करेंगे तो ये हटेगा, और दूसरी बार में क्या करना है आपको, क्यूब करेंगे, दोनों पक्षों का क्यूब कर लेंगे, तो इस तरह से आपको कुछ मिल जाएगा। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है, एक बार आप इसे जरूर से सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, दो संख्याओं ए और बी के मसा का लसा से अनुपात 1:30 है, और मसा एवं लसा के बीच अंतर कितना 493 है, ए और बी के जोड़ों की संभावित संख्या कितनी होगी, इसमें आपसे ये पूछा है, ठीक है। यानी ए और बी के जोड़ों की संभावित संख्या पूछा है, इसका मतलब क्या मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले देखिए दिया क्या, इन दोनों के बीच में रेशियो दिया, आप लिख लिए HCF और LCM, HCF और LCM आपको लिखना है। इन दोनों के बीच का रेशियो कितना दिया गया, 1:30 दिया गया, इतना क्लियर है। अब देखिए डिफरेंट दोनों के बीच का कितना दिया गया, इतना दिया, अंतर इतना दिया गया, ठीक है। LCM और HCF का अंतर कितना दिया गया, 493 दिया गया। अगर ये अंतर है, अगर आप रेशियो में अंतर करेंगे दोनों का तो कितना मिलेगा, 29 मिलेगा। इस अंतर से इस अंतर में क्या करिए, भाग दे दीजिए। जब आप भाग देंगे ये 17 बार में कट जाएगा, कितनी बार में कट जाएगा, 17 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। अब देखिए जितनी बार डिवाइड हुआ इसका गुणा इसमें करेंगे तो HCF आपको पता चल जाएगा, और इसका गुणा लाके इसमें करेंगे तो आपको LCM आपको पता चल जाएगा, ठीक है। LCM आपको पता चल जाएगा, इसमें करेंगे तो 17 हो जाएगा, और इसमें करेंगे तो 17 × 51 = 510। देखिए HCF आपको पता चल गया और LCM भी आपको पता चल गया, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, कॉन्सेप्ट आपको बताया था जब चैप्टर आपको पढ़ाया था LCM और HCF का, तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट ये बताया था कि LCM में HCF से सदा भाग चली जाती है, LCM में HCF से सदा भाग चली जाती है, ये पॉइंट मैंने आपको नोट में लिखवाया था। तो सबसे पहले करना क्या आपको, मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया उसी के अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करें। LCM में HCF से क्या कर दे रहे, भाग दे रहे, 510 में करें क्या हम लोग 17 से भाग दें, तो 17 × 51 कितनी बार में कट जाएगा, ये 30 बार में कट जाएगा, कितनी बार में कटेगा, 30 बार में ये कटेगा। अब देखिए पूछा कि ए एवं बी के जोड़ों की संभावित संख्या, यानी ए एवं बी के जोड़ों की संभावित संख्या, अब आपको ये चेक करना है कौन सी दो संख्याएं ली जाए कि जिनका गुणनफल करने के बाद जिनका गुणनफल मुझे मिले कितना, 30 मिले। अब आपको ये चेक करना है कि कौन सी दो संख्याएं ली जाए कि जिनका आपस में गुणनफल करने के बाद मुझे कितना गुणनफल चाहिए, 30 चाहिए। तो कितने पेयर ऐसे हो सकते हैं, कितने जोड़े बन सकते हैं, तो पहला तो आपको यही बन सकता है कि 1, 30 ये हो सकता है, इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो आपको 30 मिलेगा। और क्या हो सकता है, 2, 15 हो सकता है, 15 × 30 ये आपको मिलेगा। फिर क्या हो सकता है अगला, फिर 3, 10 भी तो लिख सकते हैं, और इस तरह से ये भी हो जाएगा, फिर 5 और 6 का हो जाएगा। इसके अलावा और देखिए मुझे लग रहा है नहीं बनेगा, इसके अलावा और नहीं बनेगा, 10, 3 तो मैंने ले लिया ऑलरेडी, पहले ही ले लिया। तो कितने जोड़ों की संभावित संख्या है, 4, जोड़ों की संभावित संख्या कितनी है कुल है, 4, ये इसका आंसर है, 4 जोड़े, ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को एक बार आप रिपीट करके जरूर से देख लीजिए, जब आपको LCM और HCF पता चल जाएगा तो LCM में क्या करिए, HCF से भाग देंगे, तो कुछ इस तरह से आपको मिलेगा। इसके बाद आपको ये चेक करना है कि जोड़ों की संख्या पूछा ना, संभावित जोड़ों की संख्या पूछा, इसको क्या करना है आपको, ऐसी दो संख्याओं में विभक्त करना है, ऐसी दो संख्याओं में क्या करना है, विभक्त करना है कि जिनका आपस में गुणनफल करने के बाद आपको 30 मिले, तो कितने पेयर बनेंगे, सिर्फ 4 पेयर बनेंगे, तो सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक वस्तु पर एक छूट जो कि अंकित मूल्य की आधी है, एक वस्तु पर छूट
एक वस्तु पर छूट, एक छूट जो कि अंकित मूल्य की आधी है, देने के बाद 10% की हानि होती है, क्रय मूल्य आपसे पूछा गया, ठीक है। और चार ऑप्शन दिए गए, सभी ऑप्शन देखिए इस तरह से, अंकित मूल्य का 7/9, अंकित मूल्य का 5/9, अंकित मूल्य का 4/9, अंकित मूल्य का 1/9, सभी ऑप्शन इस तरह से हैं, इस तरह से सभी ऑप्शन है। सबसे पहले ये देखिए कर क्या रहा, अंकित मूल्य पर ये क्या कर रहा, आधी छूट दे रहा, अंकित मूल्य पर आधी छूट दे रहा। तो देखिए सबसे पहले अगर मैं मानू क्या, माना अंकित मूल्य कितना लोग मान रहे हैं, माना अंकित मूल्य कितना ये है 100 रुपया, कितना 100 रुपये मान रहे हैं। अब ये छूट कितनी दे रहा है, अंकित मूल्य पर आधी छूट दे रहा है। अगर 100 रुपया है तो ये कर क्या रहा, 50 रुपये क्या कर दे रहा, ये छूट दे रहा, 50 रुपये ये क्या कर दे रहा, छूट दे रहा। अब ये कर क्या रहा, देने के बाद 10% की हानि हो गई, 10% की हानि हो गई। तो क्रय मूल्य आपसे पूछा, यानी आपसे क्या पूछा, सीपी आपसे पूछा, यही चीज, इतना क्लियर है। अब देखिए अगर ये देखा जाए तो जो भी क्रय मूल्य रहा होगा वो अपने आप में 100% रहा होगा। अगर ये उस वस्तु को अंकित मूल्य के बाद जब बेच रहा है 50 रुपये में, तो उसे 10% की हानि हो रही, क्रय मूल्य के अकॉर्डिंग 10% की हानि हो रही। तो कह सकते क्रय मूल्य अपने आप में तो 100% होगा कि नहीं होगा, 100% होगा। अगर ये 10% हानि पर ये बेच रहा है तो दाम उसे सिर्फ कितना मिला, ये यानी दाम कितने का मिला, 90%, क्रय मूल्य के अकॉर्डिंग 90% दाम मिला। तो कह सकते ये क्रय मूल्य के अकॉर्डिंग अगर ये कितना सिर्फ है, 90% है। तो करना क्या, क्रय मूल्य पता करने के लिए इसमें 90 से भाग दे दीजिए, 50 में करिए क्या, 90 से भाग दे दीजिए, और 100 से क्या करिए, कैलकुलेशन कर लिए, तो आपको क्रय मूल्य पता चल जाएगा। आपको क्या पता चल जाएगा, क्रय मूल्य आपको पता चल जाएगा। लेकिन लेकिन ऑप्शन देखिए सभी क्या दिया, अंकित मूल्य का, अंकित मूल्य का, अंकित मूल्य का, इस तरह से कहा गया। अब देखिए करना है कि अगर मैं ये 0 काट दूं, 0 0 कट जाएगा, और ये आपको क्या, अंकित मूल्य, अंकित मूल्य की नहीं, अंकित मूल्य का कितना, 5/9। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, लिख सकते इसको, अंकित मूल्य का कितना, अंकित मूल्य का 5/9, ये इसका आंसर आ जाएगा। जो ऑप्शन में इस तरह से दिया, सभी अंकित मूल्य का 5/9, अंकित मूल्य का 4/9, इस तरह से सभी ऑप्शन दिए, तो अंकित मूल्य का कितना हो जाएगा, 5/9 हो जाएगा। सी ऑप्शन के इसका मैच कर रहा है, ठीक है। देखिए वस्तु का अंकित मूल्य इतना है और ये आधे पे क्या कर रहा है, ये आधे मूल्य पर बेच दिया, तो आधे मूल्य पर जब बेच रहा है तो क्रय मूल्य के अकॉर्डिंग इससे क्या हो जा रहा है, 10% की हानि हो जा रहा है। तो क्रय मूल्य अपने आप में 100% है, तो ये दाम कितने के ले रहा है, क्रय मूल्य के अकॉर्डिंग सिर्फ 90% का ले रहा है। तो इसमें 90 से भाग देंगे, 100 से गुणा करेंगे, तो आपको वस्तु क्रय मूल्य आपको पता चल जाएगा। लेकिन आंसर देखिए कुछ इस फॉर्मेट में दिया है, तो हम लोग क्या करें, इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लें, क्रय मूल्य ये क्या, अंकित मूल्य, ठीक है, अंकित मूल्य का 5/9, इस तरह से हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। बस अब रहने दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वीडियो के लेंथ बहुत ज्यादा हो गई, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा।